ही डिफरेंट एंड टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे मैं बनाऊंगी सूजी से। आप इस रेसिपी को एज अ स्नैक्स या एज अ ब्रेकफास्ट कभी भी बना के इंजॉय कर सकते हैं। इसे बनाने में आपको लगेंगे सिर्फ 5 से 10 मिनट और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। सो इस वीडियो के बाद अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें, क्योंकि आप मेरे चैनल के थ्रू ऐसी ही बहुत ही डिफरेंट एंड टेस्टी रेसिपीज सीख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप यहाँ पे ले लेंगे नॉन स्टिक पैन, और पैन में मैं डाल रही हूँ 1 कप सूजी। इस सूजी को हम बिना इसका कलर चेंज किए इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। सो आप इसे हल्का सा रोस्ट कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सूजी को रोस्ट कर लिया है, बस इसका कलर नहीं चेंज हुआ है। अब आप इसमें डाल दें नमक 1/2 चम्मच, और नमक को आप सूजी के साथ दोबारा अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पे आप नमक स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे लगभग 1/2 छोटा चम्मच डाला है। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें, और फिर लो फ्लेम पे आप इसमें डाल दें 1 कप पानी। मैंने जिस कप से सूजी डाली थी जितनी क्वांटिटी उतना ही मैंने पानी लिया है इक्वल क्वांटिटी में, और इसे आप सूजी के साथ मिक्स कर लें, और आप देखेंगे जो सूजी है वो फूलने लग जाएगी और वो थिक हो जाएगी, ये सारा पानी सोख लेगी और धीरे धीरे एक डो की फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पे अगर आपको लगे कि जो आपका मिक्सचर है काफ़ी पतला हो गया है तो आप यहाँ पे और सूजी रोस्ट करके डाल सकते हैं, इसलिए आप पानी को थोड़ा सा ध्यान से डालें। और ये कंबाइन हो गई है, आप देख सकते हैं एकदम परफेक्टली कंबाइन हुई है, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली। और फ्लेम को बंद करके आप इसे ढक के ठंडा होने के लिए रख दें। थोड़े टाइम के बाद आपका जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा लुकवॉर्म होना चाहिए, एकदम ठंडा ना हो। तो यहाँ पे आप हाथ में हल्का सा तेल लगा के ये जो मिक्सचर है इसे अच्छे से 3-4 मिनट के लिए गूंथ लें ताकि ये एक सॉफ्ट डो बन जाए। सो ये जो चीज़ है आपको हल्की गर्म सूजी के मिक्सचर में करनी होगी, उतना ही गर्म हो जितना का आप इसे हाथ लगा सकें, और इसे 4-5 मिनट के लिए आप अच्छे से नीट कर लें। इसे डो बनाने के बाद अब आप इसमें रोटी के पेड़े जितनी छोटी छोटी बॉल्स ले लें और अच्छे से आप उसे एक राउंड शेप दे दें, और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सॉफ्ट एंड क्लीन है। और फिर आप चकला ले लें और उसके ऊपर आप हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लें, इससे जब आप इसे बेलेंगे तो ये इससे स्टिक नहीं होगी। और ग्रीस करने के बाद अब आप इसे प्लेस करके इसे बेलन से अच्छे से राउंड शेप दे दें, और आप इसे जितना पतला बेल सकते हैं उतना ही पतला बेल लें, और तेल की वजह से आप देख सकते हैं ये बिल्कुल चिपक नहीं रही है, और मैंने इसे जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आप एक नॉनस्टिक पैन ले लें, अगर आप नॉनस्टिक ले रहे हैं तो आपको तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप इसमें आपकी रोटियाँ रखें और उन्हें अच्छे से दोनों तरफ से सेंक लें ताकि वो अच्छे से कुक हो जाए। आप इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही कुक करें, और जब ये नीचे से अच्छे से कुक हो जाए उसके ऊपर हल्के से ब्राउन स्पॉट आ जाए तो आप दूसरी तरफ से भी ऐसे ही कुक कर लें, और जब दोनों तरफ से कुक हो जाए तो आप इन्हें ऐसे प्लेट पे निकाल लें। और इसी तरीके से आप अपनी बाकी सारी रोटियों को रेडी करके ऐसे ही प्लेट। अब आप यहाँ पे ले लें एक और पैन और उसमें डाल दें 1 से 2 चम्मच तेल, और तेल को आप हल्का सा गर्म कर लें। गर्म होते ही आप इसमें सबसे पहले डालें चॉप किए हुए अनियंस। अनियंस को आप अच्छे से ब्राउन कर लें। अनियंस के बाद आप इसमें डाल दें फाइन चॉप किए हुए टमेटोस, और टमेटोस को भी आप अच्छे से कुक कर लें जब तक कि वो इसमें मेल्ट ना हो जाएं। और इनके बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर,
इन मसालों को भी आप अच्छे से मिक्स कर लें। ध्यान रखेंगे नीचे लग के जले ना, नहीं तो आप हल्का सा पानी का छींटा भी दे सकते हैं, इससे ये जलने से बच। और फिर आप इसमें डाल दें थोड़ी सी टोमेटो सॉस हल्का सा टैंगीपन देने के लिए। इसे भी आप अच्छे से मिक्स कर लें एकदम लो फ्लेम पर। और फिर आप इसमें डाल दें आपकी फेवरेट वेजिटेबल्स जो भी आप स्टफिंग में पसंद करते हैं। और उसके साथ में इसमें डाल रही हूँ कुछ कॉर्न्स, और इनके ऊपर हम डाल देंगे सॉल्ट टू टेस्ट। हमने हमारे रोटियों में भी सॉल्ट डाला है, इस बात का ध्यान रखें। और इन्हें भी हम मिक्स कर लेंगे। इन्हें हम ज़्यादा नहीं कुक करेंगे, इनमें हम क्रंच रखने के लिए हम इन्हें हल्का सा सॉटे कर लेंगे। सो वेजिटेबल्स अच्छे से सॉटे हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं इनमें हल्का सा क्रंच भी हमने रखा है। और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट, और उसे भी हम अच्छे से वेजिटेबल्स के साथ कर लेंगे मिक्स। सो आप फ्लेम बंद कर दें। और यहाँ भी मेरे पास है होममेड मलाई और क्रीम, आपके पास अगर मेयोनीज है तो आप वो भी डाल सकते हैं, या अगर आपके पास कोई और क्रीम है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे मलाई यूज़ कर रही हूँ, इसे भी आप अच्छे से मिक्स कर लें। इसे हम थोड़ा सा क्रीमी बनाएंगे जो खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। इसे मिक्स करने के बाद आप इसके ऊपर से डाल दें थोड़े से प्याज के जूलियंस, ये एक बहुत अच्छा क्रंच देंगे। और उसके साथ साथ आप इसके ऊपर से डाल दें थोड़ा सा हरा धनिया, और इसे भी आप मिक्स कर लें। और आपकी स्टफिंग भी बनके एकदम रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे हम इसे सर्व करने के लिए सबसे पहले हम पेट में ले लेंगे एक सूजी की रोटी, और उसके ऊपर मैं यहाँ पे स्प्रेड कर रही हूँ सॉस। मेरे पास शेजवान सॉस थी तो मैंने वो यूज़ कर ली, आपके पास जो भी सॉस है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे एक साइड पे रख देंगे हमारी फिलिंग। आप इसे ओवरफिल ना करें, इससे जो है आपके जो रोल्स हैं वो नहीं बनेंगे। सो मैं यहाँ पे एक साइड पे फिलिंग कर रही हूँ, और उसके ऊपर से आप यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम भी डाल सकते हैं और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। और फिर आप इसे बड़े ही ध्यान से यहाँ पे कर लें फोल्ड, ताकि जो फिलिंग है वो अच्छे से इसमें मिल जाए। और आप देख सकते हैं जो रोल्स हैं वो कितनी आसानी से रोल हो गए, बिल्कुल भी फटे नहीं हैं किसी भी जगह से या टूटे नहीं हैं। और आप चाहे तो यहाँ पे जो है फॉइल पेपर से इसे नीचे से रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसे खाएंगे तो उससे जो स्टफिंग है वो नीचे से बाहर नहीं आएगी। और आप इसे ऐसे अच्छे से फोल्ड करके नीचे से आप इसको बंद कर दें, ताकि नीचे से जो फिलिंग है वो बाहर ना आए खाते वक्त। और आपके टेस्टी सूजी के रोल्स बन के बिल्कुल रेडी हैं। आपको ये सूजी से बनी हुई टेस्टी सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप कमेंट सेक्शन में तभी बताएंगे जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर आप इसे ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे लगेगा ये कितने आसान है और कितने टेस्टी। तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके ये ज़रूर ट्राई करें, और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलूंगी ऐसी ही बहुत ही डिफरेंट एंड टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।